यूपी बोर्ड परीक्षा से खिलवाड़। सत्र 2018 की जगह सन 2016 की कापियों पर दी जा रही थी परीक्षा। यूपी बोर्ड परीक्षा जहां सरकार की मंजूरी के बाद सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा दिलाने का ऐलान किया, वहीं नरगढ़ के श्री रामेश्वर दयाल एवं जावित्री देवी इंटर कॉलेज में शाम को जीव विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र का पेपर चल रहा था। उसी समय जिला विद्यालय निरीक्षक कन्नौज विमलेश विजय श्री के साथ एसडीएम श्री अरुण कुमार ने छापा मारा तो जांच के दौरान उन्होंने छात्रों की कॉपी 2018 की जगह 2016 की सत्र की मोहर देख भड़क उठे। चेक करने पर ऐसी 13 कॉपियां मिली, इसके बाद हड़कंप मच गया। वही केंद्र व्यवस्थापक शैलेंद्र सिंह का कहना है कि ऐसी पुराने पत्र की कॉपियां पहले भी निकल चुकी हैं, इसकी शिकायत भी की गई थी। डीएम एसडीएम श्री अरुण कुमार व जिला विद्यालय निरीक्षक विमलेश मिश्रा के द्वारा इंद्रनगर थाने के केंद्र व्यवस्थापक सहित 10 लोगों पर परीक्षा में अधिनियम 1998 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। इंद्रगढ़ एसओ शैलेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे यहां केंद्र व्यवस्थापक पर्यवेक्षक सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ये कल दोपहर में जो है जिला विद्यालय निरीक्षक विमलेश विजय श्री की प्रार्थना पत्र सहित थाना उपस्थित हुई। उन्होंने तहरीर दी कि रामेश्वर दयाल सावित्री इंटर कॉलेज इमलिया में 2016 की कापियां जो है बच्चों को देकर परीक्षा कराई जा रही है। करीब 13 कापियां जो है पकड़ी गई हैं। उनके तहरीर के आधार पर जो है उनके केंद्र व्यवस्थापक सत्येंद्र कुमार सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा सुसंगत धाराओं पंजीकृत किया गया है 420 3/7 परीक्षा अधिनियम के तहत।